हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि की दुनिया। हम सब यहाँ पर स्वस्थ हैं। आशा करती हूँ आप सब भी स्वस्थ होंगे। नई जगह, नई सुबह और क्या नई मस्ती। और आदि तो निकल चुका है अपनी गन उठा के, और अभी मैं आपको किसी से ना मिलवाती हूँ। आप बोलोगे देखो हर जगह का ना अपना अलग कल्चर, अलग वे होता है, वर्क करने का अलग तरीका होता है। तो वैसे ही मेरी क्यूट क्यूट सी नीज आ चुकी है गुम्मी गुम्मी के लिए, और मेरे से नहीं रहा गया क्योंकि अभी आप देख सकते हो मैं बेड पे भी बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बस उठ के मस्ती चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी कैप्चर करूँ, तो अभी मैं इसको दिखाती हूँ आप सबको। देखिए, देख सकते हैं। और जब मैंने बोला ना मैं इसको वीडियो में ले रही हूँ, तो हमारी चाची जी बोल रही है इसने तो मुंह भी नहीं धुला है अभी। अरे शेरों के मुंह किसने धुले हैं, है ना कुटी कुटी पाई, और कितनी क्यूट सी है वो। और उसे पता है मेरी वीडियो बन रही है, तो अभी एकदम शांत हो रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आदि लगा हुआ है आद्य को जगाने में, और वो बोल रहा है मुझे अभी 10 आवर्स सोना है। और ये देखो, ये इसके सर पे यहीं पे बैठा हुआ है और उसे जगा के ही माना है। लाइट ऑन हो चुकी, मैंने रख रखा है यहाँ भी। पे आप देख सकते हैं बच्चों की मस्ती चल रही है, लेकिन इन्हें रूम में अंदर रहने के लिए ही बोला गया है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। और ये यहीं पे डिशों और डिश्का डिश्का हो रही है, और वो राधिका फोन को लिए हुए लेटी पड़ी है, देने को तैयार नहीं है। और देखो कैसे पकड़ के खींच रही है वो भैया को। और यहाँ पे आप पापा जी को देख सकते हैं, पापा जी के हाथ में अभी भी लगी हुई है ये कैन्यूला, और पापा जी लेटे हुए हैं। तो मैं पापा जी को नहीं जगा रही हूँ, और पापा जी ने ब्लैंकेट लिया हुआ है अब डे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं निकाला जा रहा है मावा, और मावा किस उपलक्ष में वो मम्मी बाद में बताएंगी। मैं तो खुद पूछती रही, मैंने कहा मम्मी सुबह सुबह मैं मावा क्यों निकाल रहा हूँ, और ऐसे हो रहा है ना जैसे बारिश हो रही है। और ये इन्होंने रखा हुआ है उठाऊ चूल्हा, आज ये इस पर निकाल देंगे। वैसे प्रॉपर तो कहाँ रखते हैं ये नहीं। और ये रखे यहाँ पे उफले जो कि इसमें जलाए जा रहे हैं। और ये देखिए आप कितना सुंदर सा हमारा ये एक ही प्लांट इतना बड़ा हो रखा है ना, इतना प्यारा सा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और इसे कैप्चर किए बिना मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा ले लेती हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं डबल प्लांट है, ये अलग टाइप का फ्लावर है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये अलग टाइप के, तो टू प्लांट्स ये एक ही उसमें है पोट में, और इतने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे से हैं। और ये आप देख सकते हैं बाहर का क्लाइमेट, बिल्कुल भी कहीं धूप नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश गिर रही है। और मुझे लगा मैं आपको कुछ और भी दिखा दूँ, इस पेड़ को कौन कौन पहचान सकते हैं तो बताइएगा। ये है पहाड़ी बथुए का पेड़, मतलब मैंने यही सुना है बचपन से, और इसकी बड़ी बड़ी सी ब्रांचेज हैं। और देखिए इस पे से अगर तोड़े ना काफ़ी सारा बथुआ हो जाएगा, तो लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घर में उगाया हुआ है धनिया पत्ती, इस एरिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से ये धनिया पत्ती है। और अपने घर में कौन कौन सब्जी उगाते, तो ये पूरी एक क्यारी टाइप बनाया हुआ है। और मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर पपीते का पेड़ भी है, तो वो भी अभी मैं दिखाती हूँ। और ये लगी हुई है मूली, और अभी मूली ना कुछ मूली जो मोटी है, कुछ थोड़ी पतली पतली सी ही है अभी, अभी ग्रो करेंगी वो। जैसे देखिए ये वाली तो अभी पतली सी है, काफ़ी पतली है ना, देखिए यहाँ पे काफ़ी पतली है। और वो वाली अच्छी हो रखी है, मैं निकालूंगी तो नहीं क्योंकि ठंडा हो रहा है ना, देखिए कितनी मोटी हो रखी है ये वाली तो। और ये इधर है पालक, ये पूरी पालक की क्यारी है। वहाँ पे एक टमाटर का पेड़ है, उस कॉर्नर में मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि फिर वो सारी ख़राब हो जाएगी। ये है यहाँ पर मेथी, और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। हाँ, और ये देखो पपाया, वो लगे हुए हैं इतने सारे पपीते। और इधर है ये बेल का जो चढ़ाते हैं ना हम प्रभु शिव के ऊपर, ये रहा बेल वृक्ष। तो इस पर फल तो आए हुए नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा पत्ते आए हुए हैं, देख सकते हैं आप सब लोग। ये ना जिन चाची जी की जगह है, मतलब हमारे बिल्कुल साइड में है, उन्होंने जलाने के लिए लकड़ी भी रखी हुई है। और वहाँ पर देख सकते हैं अमरूद के पेड़ पे, अगर थोड़ा और पास जाएंगे ना तो अमरूद भी लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े से हैं, वो छिप रहे हैं थोड़े। और ये मैंने आपको बताया बेलपत्र है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नींबू का पेड़ है, इस पर छोटे छोटे कहीं आए हुए, कुछ नीचे ज़मीन पर लटक रहे हैं नींबू आए हुए हैं। तो मुझे लगा आप लोगों को दिखा देती,
देखिए ये है नींबू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे मतलब हमारी अपनी जगह में लगे हुए हैं पाम ट्री, जो कि इतना बड़ा हो चुका है और काफ़ी पहले लगाया था ये भाई। ये महिला मोर्चा ने खोल दिया अपना मोर्चा और ये सब बोलते हैं पूल जो कि जलाई जा रही है और ये यहाँ पे सेकने की प्रॉपर पूरी तैयारी हो रखी है इस महिला मोर्चा की। और यहाँ पे चाची जी, चाची, छोटू और वो सबसे बड़ी लीडर जो हमारी चुटकी राम है, देखो इस चुटकी राम को देखो भाई, ये प्रॉपर पूरी रेडी है, इसने स्टिक विस्टिक पूरी उठा रखी है। और अभी आपने सुनी गांव वाली लैंग्वेज कि ये लाली घर जा रही है, तो देखिए और ये यहाँ पूरा भी स्टार्ट नहीं हुई है, धीरे धीरे ये आग पकड़ेगी। और ये देखिए तब से अब ये प्रॉपर जली है और ये हो चुकी है पूरी, जिसे यहाँ पे बैठा हुआ निकुंज भी सेक के जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदि ड्राइविंग सीट पे आ चुका है और गन उसने संभाल के सामने रख ली है, साथ में राधिका और आद्य है जो कि ट्रैक्टर पे बैठ चुके हैं और ट्रैक्टर की लाइट ऑन ऑफ कर रहे हैं। और जैसे ही अजय को ये पता चलेगा ना, इन सब की खैर नहीं है। और ये देखिए आदि पूरे मस्ती के मूड में है एट ए टाइम। और मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ अब इन तीनों का। ये देख सकते हैं एक बिल्ली बैठी हुई म्याऊं म्याऊं कर रही है और आदि बोल रहा है इसे बुलाओ, इसे अंदर बुलाओ, इसे अंदर बुलाओ। और मैं कैसे बुला दूं, कहां से बुला दूं इसे, ये आ ही नहीं रही है पास में। और अभी आप यहां पे देख सकते हैं मैं पैक हो चुकी हूं और नाइट टाइमिंग है, मे बी 6:30 हो रखा है टाइम। और अब हम निकल रहे हैं रुड़की के लिए और मैं वापस जा रही हूँ रात में, डॉक्टर के यहाँ जाना है और मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ, तो मुझे लगा चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली हूँ क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है। और अभी हम आ चुके हैं घर पे, 6:30 हम वहाँ से निकले थे, फिर डॉक्टर के यहाँ पे पहुँचे, डॉक्टर अजय पवार के यहाँ पे। पापा जी का नंबर खैर वो तो जाते ही, मतलब देखो ऐसे नहीं रुकना पड़ा, 5 से 10 मिनट के बीच में पापा का टर्न भी आ गया और मेडिसिन लेने में जो भी टाइम लगा वो लगा, वहाँ पे कैन्यूला वगैरह सब निकलवा दिया है। और अब घर पे आए हैं, अभी मैं आदि के तो कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, मैं जो मुझे लग रहा था एक्स्ट्रा उतार देती हूँ, वो ब्लैंकेट में बैठ चुका है। और अभी मैंने कैप तो चेंज कर दी है, जैकेट वगैरह उतार देती हूँ, फिर मुझे लगा पहले आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए। तो अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी और आप सब बोलेंगे आज मैंने वहाँ पे भी बिल्कुल भी खाने वगैरह का कुछ नहीं लिया है घर पे, सिर्फ मम्मी जो भी मतलब है आपको दिखा दिया जाए, क्योंकि खाना तो मैं यहाँ पर नाश्ता किया, लंच किया, ये सब शेयर करती हूँ। मुझे लगा गाँव का ना कुछ अलग, बच्चों की मस्ती कैसे सब रहते हैं क्या है, थोड़ा वो शेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए अभी जैसे भी जो भी कुछ होता है मैं आपको बाद में अपडेट्स देती हूँ।